gati saimam achayanam charanavihi charanavihim pavakhami jivasau suhavaham jamcharita bahu jiva tinna samsara sagaram he gauriraim kuncha ega ona pavattanam asanjame niyattim cha sanjame pavayattam. छोटा सा अध्याय पर बड़ी सी बात, कैसे चलना है. बहुत बार ऐसे उत्साह हम एक व्यक्ति सोचता है अध्याय करेंगे करेंगे और देख दो दिन चार दिन कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो अच्छा है ये सेवा ये कर लेते हैं दो चार दिन, फिर उत्साह आ जाता है और फिर कैसे नहीं चलेगा. जी भिक्खु जय निचम, जितनी गाते हैं उतनी बार उन्होंने कहा कि जो एक बार किसी अच्छाई किसी को भी छोटा सा भी व्यसन लग जाए, किसका किसको किसको व्यसन है, किस किस को किस किस का व्यसन है, किसका व्यसन पता नहीं. मुझे तो अभी तो किसी चीज का व्यसन लगा ही नहीं. मैं बहुत बार सोचती ये तो हो तो चलेगा नहीं हो तो चलेगा, किसा भी आदत नहीं बनी. पता नहीं वो कांच किस तरह का बर्तन है ये कि जो भी आता कुछ आदत नहीं पड़ती, कोई आदत नहीं पड़ती व्यसन. मैं आप लोगों से पूछूं किस किस का आपको किस किस का व्यसन है, याद आता है आपको. अच्छे बहुत भले आदमी हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा किसी की किसी का भी व्यसन तो उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ती है. अगर ना पियो ना खाओ ना ये हो तो जैसे दिन बिगड़ गया ये बिगड़ गया, वो चाहिए किसी भी तरह से वो चाहिए, उसके बिना चलता नहीं. ऐसी जिनकी आदतें हैं तो मैं कहती चलो मैं उसकी चर्चा नहीं करती, कहते बस जिस तरह से वो आदत है उसी प्रकार से अच्छाई की भी वैसी ही आदत डाल दो, वैसी अच्छाई की आदत डाल दो कि उसके बिना चलता ही नहीं, स्वाध्याय के बिना चलता ही नहीं, ध्यान के बिना चलता ही नहीं, सेवा के बिना चलता ही नहीं, सत्कर्म के बिना चलता ही नहीं, नहीं चलता है ये जीवन. मध्यम कि जिस दिन हमने कोई अच्छा काम नहीं किया वो दिन ऐसे हमको छोड़ कर के चला कैसे जाएगा, हमारे लिए वह दिन ऐसे ही कैसे निकल जाएगा कि जिस दिन हम उस पर कोई अपना रिमार्क ना कर सके, वो दिन हमारा ऐसा ही कि जैसे हाँ यार फालतू जैसे कचरा फेंक दिया, ऐसे जीवन फेंक करके हम आगे निकल गए. काम का था महत्वपूर्ण था निकल गया, वो वापिस आपको लौट करके नहीं आएगा. और स्मरण रखना, स्मरण रखना, बाकी तो सारी चीज़ें आप कहीं से किसी से उठा करके ला सकते हो, कहीं से भी चोरी कर सकते हो, डकैती कर सकते हो, लूटपाट कर सकते हो, छीना झपटी कर सकते हो, माया ममता कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी से ले सकते हो, पर आप अपने जीवन का समय किसी से नहीं ले सकते हो. कितने भी बैठे हो आसपास के निकट के इधर के उधर के, किसी का समय आप एक घंटा भी नहीं लूट करके ले सकते हो. तो ऐसा कीमती समय उस समय का बस कभी हम दुरुपयोग ना कर बैठे उस जीवन धन. बस भगवान का जी जय जो भिक्षु, भिक्षु कर्त क्या है, जो बुरे कर्मों को भेद डालता है वह भिक्षु है, जो बुराइयों को भेद दे वह भिक्षु है, जो भेदना जानता है वह भिक्षु है, और जो जिंदगी की बुराइयों को भेद डालता है वह भिक्षु है, और वह सत्कर्म के लिए फिर वह एक बार करके छोड़ता नहीं, उसको पकड़ के रखता है जब देखो तब मौका मिल जाए वह छोड़ता नहीं, वह भिक्षु वह हमेशा अपने अपने जीवन में उस अपने परम आनंद को प्राप्त कर सकता है. आज आपके 31 अध्याय अपने पूरे किए.